दोस्तों, अगर आप IDBI बैंक के कस्टमर हैं और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि IDBI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में काफी बदलाव हुए हैं। तो नमस्कार, मैं अंकुश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप IDBI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि IDBI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सर्विस 28 फरवरी से 2 मार्च तक रिटेल बैंकिंग कस्टमर और कॉरपोरेट कस्टमर का 29 फरवरी से 2 मार्च तक का सर्विस बंद था। इस बीच बैंक के नेट बैंकिंग सर्विस में काफी बदलाव हुआ है। अगर आप बैंक के नेट बैंकिंग में पहले लॉगिन करते थे तो आपको कुछ इस टाइप से इसका डैशबोर्ड शो होता होगा और अब आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। और आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो इसमें लॉगिन करने का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है और साथ में अब आप अपने बेनिफिशियरी को एक बार ऐड करने के बाद NEFT, RTGS और IMPS का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको एक बेनिफिशियरी अकाउंट को 3 बार से ऐड करना पड़ता था, अलग से RTGS के लिए, NEFT के लिए और अलग से IMPS के लिए। लेकिन अब ये बिल्कुल आसान हो चुका है। आप एक ही बार में ऐड करके तीनों ट्रांजेक्शन चाहे तो NEFT, IMPS या RTGS कर सकते हैं। इसके लिए आपको बार बार वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कुछ बदलाव हुए हैं। अगर मैं आपको एक एक के बारे में बताने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के इस वीडियो में मैं आप केवल लॉगिन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। नए प्रोसेस से लॉगिन करने के लिए आपको IDBI बैंक के वेबसाइट पे जाना होगा और यहां पे क्लिक करना होगा लॉगिन का बटन पे। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो पेज है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले यहां पे आपको केवल लॉगिन आईडी भरना पड़ता था और दूसरा पासवर्ड भरना पड़ता था, लेकिन ये बिल्कुल तरह से चेंज हो चुका है। तो फिलहाल मैं यहां पे अपना लॉगिन आईडी भर देता हूं, फिर आपको आगे दिखाता हूं। एक और चीज बता दूं कि ये प्रोसेस केवल पुराने कस्टमर के लिए जो पहले नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते थे। लॉगिन आईडी और कैप्चा भरने के बाद यहां पे आप कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको पासवर्ड भरना होगा। यहां पे आपको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपका पुराना पासवर्ड बदल चुका है। यहां पे आप जो पहले पासवर्ड भरते थे आपको वही पासवर्ड यहाँ पे भरना है। तो फिलहाल मैं अपना पासवर्ड भर देता हूँ। पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लॉगिन सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे आप जो भी चाहे पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल कार सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार, मैंने सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे कार लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट इसे कर देता हूँ। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप IDBI बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आप पुराने कस्टमर होंगे तो आपको पता होगा कि इसका जो डैशबोर्ड है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले कुछ इस प्रकार से शो होता था और अब कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा लास्ट लॉगिन डेट भी देख सकते हैं, मैंने 28 तारीख के बाद अभी तक लॉगिन नहीं किया था। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसे लॉग आउट कर देता हूँ और फिर से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी और कैप्चा भरने के बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो भी सिक्योरिटी सिलेक्ट किया होगा आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आप ये सही शो हो रहा है तो यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये आपको सही नहीं शो हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो लॉगिन का प्रोसेस वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बिल्कुल यूनियन बैंक की तरह हो चुका है। ऐसा ही प्रोसेस होता है यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का। तो बस यही था IDBI बैंक के नेट बैंकिंग में कुछ बदलाव। उम्मीद है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो बस फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।